वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। एंड गाइस आज की वीडियो यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जिससे गाइस आप एक न्यू प्लेयर से, मतलब एक जो अच्छा खासा खेलने वाला प्लेयर है ना, वो बन सकते हो। लाइक न्यू टू प्रो ये वीडियो रहने वाली है और यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है। खैर वो तो तुम्हें आगे चल के पता चल ही जाएगा, लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटा सा काम कर देना, वो जो लाइक वाला बटन है नीचे उसको जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि काफी दिन से भाई लाइक्स वगैरह कम हो चुके हैं। तो मेक श्योर कि सभी लोग जो देख रहे हैं ना भाई, वो लाइक वाले एम को, टारगेट को पूरा करवा दे, जो कि रहने वाला है 10,000 लाइक्स। तो 10,000 लाइक्स भाई फटाफट से कंप्लीट करवा देना इस वाले वीडियो पे। बाकी अभी शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। ओके यार गाइस, तो सबसे पहली टिप की अगर बात करें ना, जो तुम्हें एक प्रो प्लेयर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, वो होता है तुम्हारे क्लॉक को मास्टर करना। अब देखो काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको भाई रोज रोज ही क्लॉक चेंज करने में मजा आता है, या फिर वो ऐसा सोचते कि इस पे ठीक से नहीं खेला जा रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पे ना तुम्हें सभी को पता है कि जब तक तुम एक क्लॉक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम किसी भी क्लॉक को मास्टर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बस तुम्हें एक क्लॉ है ना सेट कर लेना है। तुम टू फिंगर खेलना चाहते हो, टू फिंगर पे एक क्लॉ सेट कर लो, या फिर तुम अगर फोर या थ्री खेलना चाहते हो तो उन पे एक सेट कर लो एक क्लॉ, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। मेरा तुम क्लॉ ले सकते हो या फिर किसी और का, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो वो ले लो। एंड गाइस फिर करना कुछ नहीं यार, तुम्हें एटलीस्ट एक महीने तक है ना उसी क्लॉ पे खेलना है। एंड जितना ज्यादा तुम खेलोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। टीडीएम तुम खेल सकते हो, 1v1 तुम खेल सकते हो, लेकिन देखो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग ग्राउंड से ज्यादा है ना एक्चुअल जो क्लासिक्स हैं या फिर टीडीएम्स हैं या फिर 1v1s है ना, वो तुम खेलो, क्योंकि वहां पे ना जो प्रैक्टिस होती है ना गाइस, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में कभी हो ही नहीं सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्लासिक्स खेलने एंड ट्राई करो कि तुम अपने क्लॉक को मास्टर कर पाओ, ताकि जब भी तुम किसी पैनिक सिचुएशन में हो ना तो तुम्हें भाई बटन्स दबाने में दिक्कत ना हो कि यार ये बटन कहाँ पे, और तुम है ना हड़बड़ाओ नहीं ज्यादा वहाँ पे। तो गाइस ये टिप है ना बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है। तो गाइस तुमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा होगा कि यार वो बहुत सी बार है ना 1v3 1v4 क्लचेस करते ही रहते हैं, तो ऐसा वो क्यों कर पाते, तुम क्यों नहीं कर पाते? तो गाइस देखो मैं यार क्लासिक जब भी खेलता हूँ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो भाई इजीली है ना क्लच कर सकते थे, हमारी टीम को पूरा मार सकते थे, लेकिन एक बंदे को मारने के चक्कर में ना, मतलब एक बंदे को फिनिश करने के चक्कर में भाई वो वहाँ पे क्लच नहीं कर पाते, और एक बंदे को फिनिश तो कर देते सक्सेसफुली लेकिन वहाँ पे वो खुद भी मर जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है ना एक प्रो प्लेयर है ना भाई कभी भी नहीं करता है। अगर उसे लगता है ना कि यहाँ पे मैं बंदे को फिनिश कर सकता हूँ इजीली बिना किसी दिक्कत के, तभी वो फिनिश करेगा। लेकिन अगर उसे पता होता है कि यार यहाँ पे अगर मैं फिनिश करता हूँ एनिमी को तो मैं भी मरने वाला हूँ, तो वहाँ पे वो कभी भी उसे फिनिश नहीं करता है। वो ट्राई करता है कि यार मैं सारे बंदों को मार पाऊँ, और यही स्ट्रैटेजी गाइज मैं भी हमेशा फॉलो करता हूँ। अब देखो बंदे फिनिश मैं भी करता हूँ नो डाउट, लेकिन तब नहीं जब मेरे सामने बंदे खड़े हों, दो बंदे मेरे सामने हो लेकिन फिर भी मैं फिनिश करने में लगा हुआ हूँ। तो ये चीज़ अगर तुम नहीं करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम है ना कई बार 1v3 1v4 क्लचेस करोगे, और जब भी तुम वो क्लचेस करोगे तो तुम्हारे अंदर से भी भाई तुम्हें फील आएगा कि हाँ यार मैं भी क्लचेस कर सकता हूँ। एंड धीरे धीरे तुम्हारी ये आदत बैठती जाएगी, तुम भी 1v4 या 1v3 क्लचेस इजीली करने लग जाओगे। तो ये चीज भाई तुम्हें जरूर से फॉलो करनी है आज से। ओके यार गाइस, तो नेक्स्ट चीज की अगर बात करें तो वो रहने वाली है रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखो तुम्हें लगता होगा कि यार अभी गेम बैन पड़ा हुआ है, तो ये जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं ये भी भाई अभी तो प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, लेकिन गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि वो रेगुलर कस्टम्स खेलते हैं। रेगुलर जितना उनका पहले रूटीन था ना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना, इतना देर ग्राइंड करना, वो सब अभी भी फॉलो करते हैं। तो गाइस तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा है ना प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ज्यादा से ज्यादा ये नहीं है कि मतलब तुम है ना दिन भर भाई ट्रेनिंग ग्राउंड करते रहो उससे तुम इंप्रूव कर लोगे, नहीं। तुम है ना दिन में भाई 10 मिनट भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हो ना, एक दिन में 10 मिनट भाई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, और इतना भी तुम अगर करते हो ना गाइस, तो तुम्हारा जो गेम है ना भाई वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। मुझसे मेरे दोस्त लोग कहते रहते कि भाई तू ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता ही नहीं है, तेरा गेम प्ले कैसे इतना सेम रहता है, इंप्रूव कैसे होते रहता है। तो यही चीज मैं फॉलो करता हूँ कि जब भी जाता हूँ ना, तो भाई 10 मिनट में इतनी सारी चीजें मैं कर लेता हूँ ना फटाफट से, कि भाई मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो 10 मिनट भी बहुत है अगर तुम ठीक से ट्रेनिंग ग्राउंड करते हो, एंड करना भाई जरूरी है। अगर तुम अभी तक नहीं जाते हो रेगुलरली, तो तुम्हें भाई आज से जाना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा गेम है ना वो वहाँ पे इंप्रूव होना शुरू होगा, एंड तुम्हें भाई जो रिजल्ट्स है ना वो कुछ टाइम में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि टीडीएम्स है ना 1v1 टीडीएम्स, वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का, ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा एक मेन चीज़ हो जाती है। लाइक मैं जब भी अगर गेम खेलता हूँ ना, मैं देखो लोको पे लाइव करता हूँ, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुम वहाँ पे आके मुझे देख सकते हो लाइव। वहाँ पे देखो जब भी मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ ना, तो या तो मैं एक टीडीएम वगैरह खेल लेता हूँ, 1v1 स्पेशली मैं खेलता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम नॉर्मल टीडीएम लगा के खेल रहे हो, वो भी खेल सकते हो, बट हाँ 1v1 अगर ज़्यादा खेलोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ मैं खेलता हूँ, जब भी भाई मैं स्ट्रीम एग्जिट करता हूँ ना,
तब भी भाई मैं ना एक दो टीडीएम्स 1v1 के स्पेशली खेल के जाता हूँ, वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के सामने। तो इससे भाई देखो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक तो मेरा नेचर ऐसा है ना कि मुझे हारना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने की। नो डाउट मैं हारता भी हूँ कभी कभी, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट देता हूँ ना, तो गाइज मुझे भी मजा आता है कि हाँ मैंने अच्छा खेला। तो मुझे पता चलता है कि यार मैं अभी थोड़ा सा और लैग कर रहा हूँ इस जगह पे, मेरा एडीएस अच्छा नहीं है, तो मैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस फिर करता हूँ ज्यादा। तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है एंड इससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स अपने गेम प्ले में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइज अभी नेक्स्ट चीज की अगर बात करें ना, तो ये चीज है ना गाइज, मैं पर्सनली इतना मानता हूँ कि ये चीज अगर कोई फॉलो करता है ना गाइज, तो उसकी जो गन पावर है ना, मतलब जो 1v1 लेने की कैपेसिटी है, वो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी रहने वाली है। एंड पर्सनली ये चीज भाई मैं शुरू से जब से गेम खेल रहा हूँ ना, तब से मैंने ये चीज फॉलो करना शुरू कर दी थी। लाइक मेरा जो प्ले स्टाइल है ना गाइज, वो तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। लाइक मैं चार बंदों के बीच में घुस जाता हूँ एंड वहां पे मैं बहुत सी बार गाइज ना क्लच कर देता हूँ। एंड देखो बहुत सी बार मैं मरता भी हूँ नो डाउट, लेकिन वो मेरा प्ले स्टाइल है। लाइक मुझे अग्रेसिवली खेलना ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा एंगल वेंगल नहीं बनाता हूँ, मैं ज्यादा टीपी भी नहीं लेता हूँ। एंड जब भी बंदा दिखता है ना गाइस, तो मैं बस 1v1 लेने चला जाता हूँ सीधे। अब यहाँ पे तुम सारी क्लिप्स में देखोगे ना, मैं आगे जाता हूँ, बंदा मारता हूँ एंड वहाँ पे नॉक कर देता हूँ बंदे को। तो ये होता है अग्रेसिव प्ले स्टाइल। अब जो बंदा है ना भाई, एकदम कैम करके खेलता है, टीपी पी लेके खेलता है, एंगल बना बना के खेलता है, कभी इधर से मार रहा है कभी उधर से मार रहा है, तो वो होता है थोड़ा सा पैसिव स्टाइल। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अग्रेसिव स्टाइल अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा जो गेम प्ले ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। अब तुम बहुत सी बार मरने भी वाले हो, बहुत सी बार तुम क्लचेस भी करने वाले हो, जिससे तुम्हें बूस्ट मिलेगा एक अच्छा सा। ये चीज अगर बार बार तुम करते रहोगे, हर मैच में तुम अग्रेसिव प्ले स्टाइल के साथ खेलोगे, तो गाइस तुम अगर 5 मैचेस में मर रहे हो ना, तो तुम 5 मैचेस में ऐसा मारोगे ना कि तुम्हें अंदर से लगेगा कि यार ऐसे खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है। यही चीज मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए गाइस मैं बहुत सी बार मरता भी हूँ, लेकिन जब भी मेरा एक मैच भी चिकन जाता है ना, तो आराम से भाई मेरे 20-30 किल तो हो ही जाते हैं उस मैच में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अंदर घुस घुस के खेलता हूँ। एंड अगर तुम रेगुलर टीममेट्स के साथ खेलते हो, लाइक हर बार तुम्हारा टीममेट अलग अलग नहीं होते हैं, हर बार सेम ही रहते हैं, तो गाइस तुम है ना मरने भी बहुत कम वाले हो, क्योंकि टीममेट्स अच्छा खासा कवर दे देते हैं पीछे से। तो ऐसे में अग्रेसिव प्ले स्टाइल अगर तुम फॉलो करते हो, तो तुम्हारा गेम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। बाकी अगर तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर तुम वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो येलो हैड्स गाइस देखो तुम्हें स्पैम कर देना है पूरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम यार ये वीडियो ना अभी तक देख रहे हो, एंड तुम्हारे कमेंट्स का फटाफट से मैं रिप्लाई कर पाऊँ। अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो वहाँ पे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए, तो जैसा मैंने बोला कि लाइक वाले बटन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए, जो कि मैं आगे लाता ही रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।